देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो सोनिया गांधी, क्या काम कर रही थी मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी, ओए उग्रवादी, बोले भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशल जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये उग्रवादी है। इसकी बात करते रहना भी बाहर देखो। एनीथिंग रॉन्ग? अरे अगर किसी की अम्मा ने चली उठाना मेरे बेटे को, कोई भय अगर आप उठा कर देखेगा इतिहास रच दूंगा। आज मायावती जी आज टिकटों के इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। तीन राज्यों में मुख्यमंत्री चुने जाने थे और यह भाजपा की सबसे बड़ी माथापच्ची रही। 10 दिन में इतना सोच समझकर बड़े तिकड़म बिठाए, बड़े जतन लगाए, कौन से समीकरण कहां बिठाने हैं, कहां कैसे किसे सेट करना है, सब कुछ सोच समझकर दो राज्यों के मुख्यमंत्री आखिरकार चुन लिए गए और सरकार बनाने का दावा अब वो पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी दलितों को साधने के लिए वहां विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि संगठन में कई समय से वो काम कर रहे थे, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और भी कई पदों पर रहे हैं। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जब सभा हुई थी उस दौरान वादा किया था कि आप विधायक के तौर पर इन्हें जिता दीजिए, बड़ा आदमी हम बनाएंगे। शाह ने अपना वादा अब पूरा कर दिया है। एक क्लिप है, वायरल हो रही है, जरा देख लीजिए। समझ नहीं आया, साधारण कोई मकान का पिलर जैसे समझ नहीं आता तुम लोग को, गाड़ दें तुमको हमारा सर कलम कर, क्या समझते हो तुम लोग हैं? उल्टा कांड में वो उल्टा ले देख लिया आपने। ये वही मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, चौंकिए नहीं। इतने मंथन के बाद लाए हैं और ये लाए हैं कि किसी राज्य का मुखिया अगर इस तरह से गाली गलौज करेगा तो भैया छत्तीसगढ़ की जनता भगवान ही भला करे आपका, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया जो बनने वाले हैं, मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे थे। कहा जाता है कि इन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि अचानक से मुख्यमंत्री पद के लिए इनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही ऐलान हुआ सब सन्न रह गए। मध्य प्रदेश की एक बहुत अजीब बात कहें कि शिवराज सरकार से सब खुश थे, सब बढ़िया है, लेकिन जनता ये कहती नजर आई कि काम बढ़िया है लेकिन क्या है कि अब हम जरा बोर हो गए हैं एक ही एक आदमी से, इसलिए कोई नया बंदा आना चाहिए, है ना अजीब। उससे भी खूबसूरत बात शिवराज सिंह की आप देखेंगे कि बड़ी ही सहजता से उन्होंने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि उनको अब मुख्यमंत्री के तौर पर चांस नहीं मिलेगा, लेकिन जी जान से वो लड़े, जीते और बड़ी सहजता से एक मुस्कान लिए मोहन यादव को गुलदस्ता भेंट किया। दूसरे विधायकों और कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है वो पद से बहुत आगे की सोचता है, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता इसे कहते हैं और इनकी इस बात की सराहना सभी को करनी चाहिए। लेकिन अब जो नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनके बारे में भी जरा कुछ पुरानी फुटेजेस वायरल हो रही है, आप एक बार देख लीजिए। देखा आपने? अरे अभी कहा, इतने में हैरान हो गए, जरा सीता माता के बारे में भी तो सुनिए, सुनिए सुनिए क्या राय है इनकी। लव उस जंगल में पैदा हो रहा, आप कल्पना कर सकते हैं? कहने के लिए क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरह से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में माना जाता है। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। देखा आपने, जो तलाश आखिर 8-10 दिन से चल रही थी वो यहाँ आकर खत्म हुई। बड़ी हैरत की बात है, गालीबाज नेता पर जाकर अब मुहर लगी है। शिवराज सिंह ने जिस राज्य को अपने प्यार और अच्छे शासन से चलाया, अब वहां पर ये नफरती मुख्यमंत्री जी विराजमान होंगे क्या? क्या यही तरीका रहने वाला है इनका जनता से भी बात करने का? क्या मध्य प्रदेश की जनता यही डिजर्व करती थी?
पता नहीं, पर ये बोर हो गए वाला जो एटीट्यूड जनता को दिखाया जनता ने, वो कहीं उनको महंगा ना पड़ जाए। अब आज राजस्थान का भी नाम फाइनल होने वाला है। देखिए यहाँ कौन काबिज होता है। वैसे क्या इस बार कौन बनेगा नफरती मुख्यमंत्री, ऐसा कोई कंपटीशन करवा के फिर चुन रहा है क्या आलाकमान? जो जितना गालीबाज, जो जितनी नफरत फैलाएगा उतने ज्यादा नंबर, उतना मुख्यमंत्री का चांस ज्यादा, ऐसा तो नहीं है ना। बस ऐसे ही पूछ लिया, दो राज्य के हाल देख कर जरा यूं ही सवाल मन में आ गया, पत्रकार हूं तो रहा नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा।